जय गुरुदेव। तो आज ज्ञानवर्धक बातों में हम आपको एक और मुद्रा बताएंगे। हमने पहले प्राण मुद्रा बताई, चिन्ह मुद्रा बताए, उसके बाद कल हमने आपको महासंजीवनी मुद्रा बताई थी। आज हम आपको एक अनोखी मुद्रा बताएंगे जिसका नाम है वायु मुद्रा। इसे अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं। आज हम वायु मुद्रा की बात करेंगे। जैसे हमने कहा कि अपान वायु मुद्रा पेट को ठीक करके आपकी पूरी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है, उसी प्रकार से वायु मुद्रा जो है ये भी 30-50% आपके पेट और आपके सारे रोगों को नाश करने में मदद रूपी होता है। मैं बताता हूं कैसे। हर एक मनुष्य में 3 प्रकार के दोष होते हैं। इसे कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में वात, पित्त और कफ। जब हम बच्चे होते हैं ज्यादातर हमें कफ होता है। कफ से सत्व गुण हमारा बढ़ता है और इसीलिए नई चीजें बच्चे सीख पाते हैं, बड़े होने के बाद हम नहीं सीख पाते। कफ होने से अहंकार भी हमारा काबू में रहता है, लेकिन कफ कभी कभी बहुत महंगा भी पड़ सकता है, लेकिन जानलेवा नहीं होता है। जब हम युवा अवस्था में आते हैं, जब हम जवान होते हैं, तब पित्त बहुत ज्यादा हमारे पे हावी होता है। एसिडिटी ज्यादातर यंग लोगों को ही होती है, बच्चों या बूढ़ों को नहीं होती है। पित्त जब होता है तब हम शारीरिक रूप से बलवान बनते हैं और शारीरिक रूप से बढ़ते हैं, लेकिन पित्त के रोग जो है बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत तकलीफदायक भी होते हैं। पित्त के बाद जब बुढ़ापा आता है तब हमें होता है वात, मतलब गैस। ये वात जब से शुरू होता है तब कोई भी बीमारी हो वो जाती नहीं है। ब्लड प्रेशर हो जाए, ब्लड शुगर हो जाए, जो भी हो जाए वो जान लेकर जाती है, उसको ठीक करना असंभव हो जाता है। मार लगता है, हड्डी टूटती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है। हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे कमजोर कर देने वाले इन तीनों दोषों में कोई दोष अगर है तो वह वात दोष। तो ये वायु मुद्रा करने से हमारे शरीर से जो एक्सेस वात है वो निकल जाती है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम तो ठीक होता ही है, एंटी एजिंग भी होती है, हम यंग दिखने लगते हैं और यंग दिखते रहते हैं। और इसी वजह से ये COVID-19 को हराने के लिए ये वात की मुद्रा, वायु मुद्रा मैंने 4th नंबर पे सिलेक्ट की है। पहली प्राण, दूसरी चिन्ह, तीसरी महासंजीवनी अपान वायु और चौथी वायु मुद्रा। ये अपान वायु मुद्रा जो हमने ऐसे धारण की है ना, इसको सिर्फ खोल दो और इस प्रकार से हल्के से रखो और अपने हाथों को घुमाट कर अपने पैरों पर रख दो। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़ो, चेहरे पर मुस्कुराहट, धीमी धीमी सांसें लेनी है। ये वात मुद्रा कमाल का काम करेगी और भयंकर में भयंकर रोगों को आपसे दूर रखेगी। हो भी गया रोग तो उसको ठीक करने में आपकी मदद करेगी। और साथ में जवान कौन नहीं दिखना चाहता, जवान कौन नहीं रहना चाहता, तो ये वात मुद्रा उसमें भी मदद करेगी। तो अवश्य इस मुद्रा को करें। अब इसके करने का समय कितना है, एक तो लाइन में ही करना है, प्रश्न आया है पहले कौन सी दूसरी कौन सी, ये हमने पहले ही बताया था। पहले आप चिन्ह मुद्रा या प्राण मुद्रा कर सकते हैं। प्राण मुद्रा करो तो ज्यादा अच्छा है। प्राण मुद्रा, दूसरी चिन्ह, तीसरी संजीवनी, चौथी वायु, और कल एक आखिरी मुद्रा, पांचवी मुद्रा दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम मुद्रा को समाप्त करेंगे। ये 5 मुद्रा जो है पर्याप्त है इस कोविड के टाइम में आपको बचाने के लिए। अब ये वायु मुद्रा कम से कम 5 मिनट करिए और ज्यादा में ज्यादा 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा मत करिए, क्योंकि वायु जो शरीर में व्यान वायु है या समान वायु है जिसको ये मुद्रा बैलेंस करती है, ये वायु शरीर के हलन चलन के लिए, बॉडी के मूवमेंट के लिए, भोजन को हजम करने के लिए, हमारे दैनिक कार्यों करने के लिए, मल मूत्र का त्याग करने के लिए इत्यादि बहुत आवश्यक है। तो बहुत ज्यादा कम भी नहीं कर देना चाहिए। इसके लिए कम से कम 5 मिनट करना है, ज्यादा में ज्यादा 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे, है ना।
तो ये वापस बता देता हूं, ये हमारी अपान मुद्रा को खोल देंगे तो ये हो गई वायु मुद्रा। इसे वायु मुद्रा कहते हैं और इसे अपान मुद्रा कहते हैं। ये दोनों मुद्रा एक हो जाए तो इसे अपान वायु मुद्रा महासंजीवनी मुद्रा कहते हैं। ये अपान मुद्रा खोल दी तो ये रह गई वायु मुद्रा, ये गोल यहां पे। और ये जो हमने पहले बताया था, ये नाखून का हिस्सा अंगूठे की इस रेखा को लगना चाहिए और जो उंगली के नीचे का हिस्सा है वो अंगूठे के अग्रभाग को लगना चाहिए, है ना, मूल भाग को लगना चाहिए, अग्रभाग नहीं मूल भाग को लगना चाहिए। और इस प्रकार से रख के गहरी सांसें लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। अगर कुछ और भी पूछना चाहते हैं मुद्राओं के बारे में इत्यादि, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, है ना।